नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैम प्रोफाइल फॉर ए रेडियल कैम। हमें कैम प्रोफाइल बनाना है एक रेडियल कैम के लिए, और यहां पर जो फॉलोवर का मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहां पर हम दो केसेस लेंगे, और यहां पर जो फॉलोवर है वो भी ध्यान रखना है, वो हमारा रोलर फॉलोवर है, और उसका जो एक्सिस है वो पास कर रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट। पहला केस तो यही लेंगे। दूसरा केस लेंगे जब एक्सिस ऑफ जो हमारा फॉलोवर है उसका जो एक्सिस है कैमशाफ्ट से ऑफसेट होगा। तो ये दो केसेस लेंगे। तो पहले तो हम यही केस लेंगे, और यहाँ पर हमें कुछ गिवन डाटा है उसके लिए। आउटस्ट्रोक एंगल हमें दिया गया है 120 डिग्री, ड्वेल दिया गया है 30 डिग्री, रिटर्न एंगल दिया गया है 60 डिग्री, फिर से ड्वेल दिया गया है 150 डिग्री, यानी कि अगर टोटल करेंगे हम ये तो 360 डिग्री बनता है। स्ट्रोक दिया गया है 40 mm, और बेस सर्कल रेडियस दी गई है 40 mm। बेस सर्कल रेडियस जो हम कैम प्रोफाइल में जो सबसे छोटा सर्कल है वो बेस सर्कल बनाते हैं, उसकी रेडियस दी गई है। तो चलिए पहले तो इस गिवन डाटा के लिए हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, उसी के थ्रू जो है कैम प्रोफाइल बनेगा। तो इसलिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक सुटेबल स्केल पर लगानी है जो कि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे कि जिसमें आउटस्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न और ड्वेल ये एंगल हमारे आ सके। तो सुटेबल स्केल पर हमने लगा लेनी है। अब जितना भी स्ट्रोक दिया है 40 mm दिया है, तो 40 mm ऊपर हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेनी है 40 mm की। तो 40 mm हाइट की हमें एक रेक्टेंगल बना लेनी है। तो इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब जो हमें एंगल दिए गए हैं, जैसे आउटस्ट्रोक एंगल है ये ले लेंगे जितना भी हमें दिया गया है। तो ये एंगल हमें दिया गया है, इसको हम थीटा ओ लिख लेते हैं, ये हमें दिया गया है 120 डिग्री। अब इसी एंगल को हम इवन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे 4, 6, 8, कितने भी नंबर ऑफ पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिवीजन होना चाहिए मिनिमम 6 पार्ट का तो आप रखें, ताकि एक अच्छा प्रोफाइल हम बना सकें। तो इसलिए हम इसको 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल 6 भागों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से जो रिटर्न एंगल है वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे। अब रिटर्न एंगल हमें कितना दिया है, थीटा आर दिया है हमें 60 डिग्री, इसको भी हम 6 भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 में किया है तो 6 भाग याद रखने हैं, 6 भाग में ही आप इसको करेंगे। और बीच में ये क्या हो जाएगा, ये 12 पीरियड हो जाएगा इसका, जो कि हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा, इसको डी लिख लेते हैं, और ये हो गया 30 डिग्री। इसी तरह से जो बचा हुआ पीरियड है ये भी क्या है हमारा, 12 पीरियड है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। तो ये 12 पीरियड हो गया। तो इस तरह से आपने इसके थीटा ओ के और थीटा आर के इवन नंबर ऑफ पार्ट कर लिए, 6 पार्ट कर लिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर एक सर्कल लगाना है, हाफ सर्कल, और डायमीटर जो होगा उसका इतना होगा। इतना हमें कितना दिया है, जो स्ट्रोक है 40 mm। तो रेडियस आप ले लेंगे, कहें कि 20 mm रेडियस लेंगे, और एक हाफ सर्कल आप यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हम नंबरिंग दे देते हैं इनको, और यहाँ पर इस तरह से एक हाफ सर्कल को ड्रा कर लेंगे। अब जितने नंबर ऑफ पार्ट में हमने थीटा और थीटा आर को डिवाइड किया है, उतने ही नंबर ऑफ पार्ट में हम इस हाफ सर्कल को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो पॉइंट हमें मिले हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये, इनको हम नंबरिंग कर लेंगे इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इनसे हम एक लाइन जो है पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इन सभी से हर एक पॉइंट से एक एक लाइन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो थीटा ओ को भी कट करेगी, जो वर्टिकल लाइन है इनको, और थीटा आर की वर्टिकल लाइन को भी कट करेंगे। तो इस तरह से हमें ये लाइंस मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर देखें, 1 के लिए ये पॉइंट मिला, 2 के लिए ये पॉइंट मिला, 3 के लिए ये पॉइंट मिला, 4 के लिए ये पॉइंट मिलेगा, यानी कि इसकी 4, ये 4, ये 5 जो है इसके लिए ये 5 वाली लाइन, और ये 6 जो है इसके लिए लाइन। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, इस तरह से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से हमें मिल जाएंगे रिटर्न के लिए पॉइंट्स, जहां जहां पर भी कट की है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सर्कल से आ रही है। अब यहाँ पर हम इनको भी मार्किंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसी तरह से रिटर्न को भी मार्किंग कर लेते हैं, और इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें आउटस्ट्रोक एंगल के लिए ये कर्व मिलेगा, इसी तरह से रिटर्न स्ट्रोक एंगल के लिए ये कर्व मिलेगा। अब यहाँ पर जब हम कैम प्रोफाइल को बनाएंगे तो वहां पर हमें कट आउट करने हैं कुछ चीजें, जैसे यहाँ से 1 से B, 2 से C, 3 से D, 4 से E, 5 से F,
सिक्स जी, ये तो आउटस्ट्रोक एंगल के लिए, ये जो है हमें कटआउट करनी है कैम प्रोफाइल में, तो याद रखिएगा 1 से बी, 2 से सी, यानी कि ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है। इसी तरह से इसके लिए भी, रिटर्न के लिए भी कटआउट करनी है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे जब हम कैम प्रोफाइल को ड्रा करेंगे। तो चलिए कैम प्रोफाइल को ड्रा करते हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं जब एक्सिस जो है रोलर जो फॉलोवर है उसका पास कर रहा है एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट से। तो मिनिमम रेडियस जो हमें कैम की दी गई है पहले तो हम वो ड्रा कर लेंगे। अब ये एक सर्कल जो है हम ड्रा कर लेंगे सबसे पहले, जो बेस सर्कल है जो कि हमें दिया गया है 40 mm का। तो 40 mm रेडियस दी गई है, तो इस तरह से हम एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद ये हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर जो हमें फॉलोवर दिया गया है वो रोलर फॉलोवर है। अब ये रोलर फॉलोवर है, इसका रोलर का हमें डायमीटर भी दिया होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इसका डायमीटर है वो कितना दिया है हमें, ये हम मान लेते हैं कि 20 mm दिया है। तो डायमीटर दिया होगा क्वेश्चन में, तो 20 mm डायमीटर मान लेते हैं। तो इस तरह से 20 mm डायमीटर का आप ये सर्कल लगाएंगे और इस तरह से ये फॉलोवर जो है आप बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने बेस सर्कल बनाया, फिर जो है रोलर का डायमीटर हमें बना लेना है। तो ये जो है सेंटर है इसका, जो रोलर है इसका, यहाँ ये सेंटर हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम प्राइम सर्कल को ड्रा करते हैं इसी सेंटर से। ये जो सेंटर है इसी सेंटर से होता हुआ हम एक सर्कल बना लेंगे। ये जो सर्कल होता है इसको हम प्राइम सर्कल बोलते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, प्राइम सर्कल। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस सर्कल है तो बेस सर्कल की रेडियस हो गई यानी कि यहां से यहां तक, और फिर रेडियस हो गई रोलर की, तो इन दोनों को जो है हम ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, प्राइम सर्कल ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां जो बेस सर्कल की रेडियस है प्लस जो रेडियस है इस रोलर की, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये पॉइंट जो है मिलेगा हमें, और सेंटर से रखकर हम एक सर्कल लगा लेंगे, ये हमारा प्राइम सर्कल बनेगा। ये कौन सा सर्कल था, ये बेस सर्कल हमने बनाया था, बेस सर्कल कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम है वो आप कह लीजिए। तो ये हमने बनाया था, फिर प्राइम सर्कल बनाया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एंगल हमें दिए गए हैं, आउटस्ट्रोक एंगल दिया गया है, ड्वेल, रिटर्न, वो सारे हम यहाँ पर कट आउट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पहले हम एक लाइन मिला देते हैं, और ये एंगल हमने बना लिया जो आउटस्ट्रोक एंगल है, फिर ड्वेल, और फिर जो रिटर्न एंगल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ये कितना है हमारे पास, ये 120 डिग्री का था जो कि आउटस्ट्रोक था। ड्वेल कितना था हमारे पास, ये 30 डिग्री था, और फिर से जो रिटर्न था वो कितना था, वो 60 डिग्री था। ये सारे हम बना लेंगे, बाकी जो बचेगा वो कितना था, 150 डिग्री, तो वो भी ड्वेल था। तो हमें ये हम थीटा आर कह लें, और फिर ये थीटा ओ कह लें जो आउटस्ट्रोक एंगल है, और थीटा आर, इनसे हमें कैम प्रोफाइल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमने आउटस्ट्रोक एंगल को 6 भागों में बांटा था, इसको भी हम 6 भागों में बांट देंगे। तो यहां पर हम 120 डिग्री है, जैसे इसको हम 6 भागों में बांटना चाहते हैं, तो 20-20 डिग्री की ये लाइन हमें मिलेंगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री की ये लाइन मिलेंगी। तो 6 भागों में हम इसको बांट देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भागों में हमने बांट दिया। इसी तरह से रिटर्न को भी हम 6 भागों में बांट देंगे। तो हमें यही करना है, जो थीटा ओ एंगल है और थीटा आर एंगल है, इनको 6-6 भागों में डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर अब हम यहाँ इसको कट आउट कर लेंगे। अब प्राइम सर्कल से हमने क्या किया, यहाँ पर नंबरिंग लिख लेते हैं, जैसे 1, 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, इस तरह से। और 1 से हमें पता है, 1 से बी मापेंगे और कट कर लेंगे, 2 से सी मापेंगे, 3 से डी मापेंगे, 4 से ई मापेंगे, 5 से एफ मापेंगे, और 6 से जी मापेंगे, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमने आपको दिखाया था, जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट जो डायग्राम बनाई थी, वर्टिकल डिस्टेंसेस जो है। तो यह हमने प्रकार की हेल्प से काट लेने हैं। अब ये जो हमें पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंट से हमें इतने ही डायमीटर का, या कहें कि रेडियस का, एक सर्कल लगाते चलना है। तो इस तरह से हम सर्कल लगा लेंगे इनको सेंटर मानकर। इसी तरह से सेम काम हमें क्या करना है, रिटर्न के लिए भी करना है। यहां पर भी हम वो मापेंगे और यहां मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर सर्कल बना लेंगे इनको सेंटर मानकर। तो जैसे हमने यहाँ पर किया, सेम काम यहाँ पर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सर्कल का ये जो बॉटम है, ये जो फॉलोवर का बॉटम है, इसको हमें मिलाते चलना है। इसको मिलाते चलेंगे तो हमें इस तरह का एक कैम प्रोफाइल मिल जाता है। तो ये क्या है, कैम प्रोफाइल है।
तो इस तरह से हम यहाँ पर कैम प्रोफाइल को बना लेते हैं। ये आसान है जब एक्सिस जो है फॉलोवर का एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट से पास कर रहा है। लेकिन एक इसका दूसरा केस भी हम ले सकते हैं, जब फॉलोवर जो हमारा रोलर है लेकिन 20 mm ऑफसेट है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। पहले तो हम सबसे पहले बेस सर्कल को बनाएंगे। बेस सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास 40 mm हमें दी गई है, तो इसकी रेडियस हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये एक्सिस दिए गए हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने बना लिए, ये तो कैम के हो गए। अब इसका एक्सिस जो है ऑफसेट है, इसका एक्सिस जो है फॉलोवर का कितना ऑफसेट है वो हमें दिया गया है मान लीजिए 20 mm। तो इस तरह से इस एक्सिस पर आप फॉलोवर को बनाएंगे, यानी कि इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ पर फॉलोवर बनाएंगे, इसका डायमीटर हमें दिया होगा तो ये बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, प्राइम सर्कल को ड्रा करना है। प्राइम सर्कल हमें पता है बिल्कुल इसके सेंटर से होकर जाएगा, तो ये जो है इसका सेंटर हम मान लेते हैं और इसके सेंटर से होकर ये प्राइम सर्कल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये ऑफसेट हमने लिया है इसी सेंटर से हम इतने mm रेडियस का सर्कल भी लगा लेंगे और यहां से इसको मिला देंगे। तो यहां पर हमने सर्कल लगा लिया और इसको इससे मिला दिया। अब ये जो लाइन हमें मिली है यहीं से हमारी अब एंगल को हम मापना शुरू करेंगे इसी लाइन से। जैसे कि यहां से अगर मापेंगे तो हमें मिलेगा पहला जो आउटस्ट्रोक एंगल था इतना एंगल, ये कितना हो गया हमारा 120 डिग्री। इसी तरह से जो ड्वेल के लिए एंगल हो गया वो कितना हो जाएगा हमारा ये एंगल, ये 30 डिग्री। और बाकी जो हमारा रिटर्न के लिए एंगल था वो कितना था दोबारा से, वो था हमारे पास 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारे पास एंगल बनेंगे, थीटा वो बना लिया, ड्वेल बना लिया, रिटर्न बना लिया और आगे फिर से ड्वेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्राइम सर्कल है या कहें कि ये जो एंगल है थीटा ओ, इसको 6 भागों में बांट लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर हम पहले प्राइम सर्कल को कट कर लेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके ऊपर ही मार्किंग करेंगे। क्यों करेंगे अभी जान लेते हैं। अब इन मार्किंग से जो हम लाइंस लगाएंगे यानी कि इसको हम 6 भागों में बांटेंगे, पहले हम यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, जो लाइन लगाएंगे वो इस सर्कल के टेंजेंट होनी चाहिए, इसके टेंजेंट होनी चाहिए, तो टेंजेंट हम बनाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया कि जैसे फर्स्ट नंबर है जब इसकी लाइन लगाएंगे तो इसके टेंजेंट होनी चाहिए, ये इससे गुजरनी चाहिए, इस तरह से ये टेंजेंट चलेंगे इस सर्कल की। तो इस तरह से हम इसको 6 भागों में बांट लेंगे। आसान है, पहले तो हमने इसको प्राइम सर्कल को बांट लिया जो 20-20 डिग्री पे बांट लिया, पॉइंट लगा लिए, और फिर ये जो लाइन होंगी इस सर्कल के टेंजेंट होंगे, तो इस तरह से हम लगा लेंगे। तो उसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे, वही जो हमने मार्किंग की थी एक से जो 1 से B, C, D, E, F, G, यानी कि 1 से B, 2 से C, 3 से D, सेम काम करना है, बस ये टेंजेंट हमने लेने थे। और इन्हीं सेंटर, इनको सेंटर मानकर इन मार्किंग को हम सर्कल लगा लेंगे जो भी इस फॉलोवर का डायमीटर था उसके। तो यहाँ पे सर्कल लगा लिए, सेम काम रिटर्न के लिए करना है, इसको भी 6 भागों में बांटना है और जब इनसे पास होगी लाइन्स वो इसकी टेंजेंट होगी इस सर्कल की, और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे इसी तरह से, और ये जो मार्किंग होगी इनको सेंटर मानकर सर्कल लगा लेंगे। अब इनके जो बॉटम है इनको हम मिला देंगे, इनके बॉटम्स को जब हम मिलाएंगे हमें कैम प्रोफाइल मिल जाता है। तो इस तरह से जो ऑफसेट वाला अगर हम केस लेते हैं तो वो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो ये रोलर फॉलोवर के लिए था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।